नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार, माँ डेयरी फार्म्स बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, ये हम लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन है जिसमें मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूं। सवाल है, गगन सिबिया जी हैं, पंजाब से हैं और वो लिख रहे हैं, हीफर को रेगुलरली कौन सा मल्टीविटामिन दें जो उनके लिए कम जरूरी है, और टैबलेट दें या इंजेक्शन दें, बताइएगा। देखिए दोस्तों, क्या है कि जो चीज़ टैबलेट और इंजेक्शन वो देना ठीक होता है जो आपको 2-4-6 दिन देना हो, जो लंबे समय तक देना हो वो उसके फीड में पड़ने का इंतजाम होना चाहिए। तो देखिए, बहुत सी कंपनियां हैं, हम लोग कारगिल का भी मल्टीविटामिन आता है और 2-3 अच्छी कंपनियां हैं, मुझे नाम इस समय स्लिप कर रहा है, लेकिन ये है कि कोई भी अच्छे कंपनी का AD3 आप ले लें और उसको नॉर्मली जो फीड में डालने की डोज है वो 100 ग्राम पर क्विंटल की है। 100 ग्राम पर क्विंटल के हिसाब से AD3 डाल दें फीड में तो वो उनको कवर कर लेता है। अब बाकी उसके अलावा आप अच्छा मिनरल यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर मिनरलों में भी विटामिन होता है, तो एक तो वो हो गया, और दूसरा अलग से विटामिन सप्लीमेंट के लिए AD3 दिया जाता है। AD3 जो है वो हम लोग कारगिल का डाल रहे हैं और बीच बीच में दूसरे भी डाल लेते हैं दोस्तों, तो ऐसा कुछ नहीं, अच्छे कंपनी का डाला जा सकता है मल्टीविटामिन। गुरसिमरन जी यही एक सवाल और पूछ रहे हैं, सर क्या सुपर नेपियर में ज्वार के बराबर न्यूट्रिशन है? सर आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में? हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि इससे गाय का दूध सूख जाता है। समझ नहीं पाया, शायद सुपर नेपियर के लिए कह रहे हैं। हाँ, सुपर नेपियर के लिए कह रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो हमने देखने को नहीं मिला गुरसिमरन जी कि सुपर नेपियर से गाय का दूध सूख जाता हो, लेकिन ये मुझे ज़रूर महसूस होता है कि कोई मतलब जैसे ऐसा कोई मतलब जैसे कुछ ऐसे हरे चारे होते हैं, जैसे खास कर जाड़े में आप देखोगे मक्खन घास और बरसीम जब शुरू होती है तो कुछ अंतर आपको दिखाई देता है कि वाह दूध बढ़ के मिलने लगा, तो वो मौसम का भी फेर होता हुआ हो सकता है जाड़े में, और तो ऐसा कोई बहुत फ़ायदा नहीं दिखता है अचानक से कि ठीक है नेपियर आया तो एकदम से ऐसा मज़ा आया, लेकिन ऐसा भी नहीं दिखता है कि नेपियर शुरू हुआ या नेपियर बीच में नहीं था, नेपियर शुरू होने दूध सूख गया दोस्तों, ऐसा नहीं दिखता है, तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ। सुभाजीत घोष जी मिनरल मिक्सचर के बारे में जिक्र कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी आगे पीछे जिक्र कर लिया है। अगला सवाल वो पूछ रहे हैं सुभाजीत घोष जी ही कि सर जिस काऊ का बॉडी वेट 300 केजी है उसके काफ को कितने वेट में फर्स्ट AI करें, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो अभी हमने जैसा जिक्र किया 300 केजी है तो उसका 75% बॉडी वेट का ले लीजिए, मतलब लगभग 225 केजी। बिल्कुल 75% आप लेंगे 300 केजी का तो 225 केजी आएगा, 225 केजी आपका स्टैंडर्ड बॉडी वेट होना चाहिए कम से कम उस गाय के बछिया को AI करने के लिए। रवि डेयरी फार्म है, पूछ रहे हैं सर मेरी बछिया एक बार हीट में आई, दोबारा हीट में नहीं आ रही है, क्या करना पड़ेगा? मैं गुजरात से हूँ सर। देखें रवि जी, ये और बहुत से मित्रों ये कई बार समस्या आती है, हमें भी आती है, हमें ये ज़रूर ध्यान करना चाहिए। हम लोग जब बार बार बात कर रहे हैं बछिया की AI कब करनी चाहिए, बछिया बहुत जल्दी हीट में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से समझिए सुनिएगा। बछिया हीट में नहीं मतलब कब AI करनी चाहिए, बहुत जल्दी हीट में आ गई तो भी उसका क्या AI छोड़ रहे हैं जैसे हम लोग, उसमें क्या है दोस्तों, हम भले ही हीट में आ रही है और AI नहीं कर रहे हैं, एक बार ज़रूर ध्यान करनी चाहिए कि हम भले AI नहीं कर रहे हैं, हम हीट स्किप कर रहे हैं तो हीट आनी ज़रूर चाहिए दोस्तों। नहीं तो कई बार क्या होता है देखें कि अंडा बनता है और बछिया हीट में आती है और वो अंडा बछिया हमारी ओवलेट नहीं करती, वो अंडा रिलीज़ नहीं हो पाया मान लीजिए, तो क्या होगा कि वो एक सिस्ट बन जाएगा, अगली हीट में वो नहीं आएगी और अगली हीट में वो नहीं आई, हम उसके बाद छोड़ बैठे हैं कि भाई तो अभी 8 महीने हुए हैं हमारे बछिया को, अभी तो हम 12 महीने के बाद AI करेंगे, तो पता चला कि 3 महीना हमने बिता दिया, हमें चिंता भी नहीं है उसके बाद कि हीट में नहीं आ रही है। तो दोस्तों देखें, जब बछिया एक बार हीट में आ गए नहीं आती है हीट में, तो थोड़ा ध्यान करना चाहिए कि हीट साइकिल चलते रहनी चाहिए उसकी, और हीट पर ज़रूर ध्यान दें कि भाई 20 दिन में कोई लक्षण बने नहीं बने, और अगर एक आध हीट और देख लें मिस कर रही, क्योंकि जितना ज़्यादा देर करेंगे वो सिस्ट जो है वो उतना रिजिड होता चला जाता है, तो हम लोगों को लेकिन ये है ना, जैसे जब भी हम लोग हार्मोनल ट्रीटमेंट की बात करें, मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि वेटनेरियन को दिखाया जाए, वेटनेरियन अगर सक्षम है तो देख लेगा कि वहाँ ओवरी पे सिस्ट हो गया है, हीट आना बंद हो गई है। तो हमें जैसे कई बार होता है कि वो ल्यूटरल सिस्ट टाइप का कुछ बना हुआ है, तो वो एक आपका वेटमेट लगाएंगे, PGF-12 लगाएंगे और वो सिस्ट हट जाएगा, तो वो वेटनेरियन को दिखा के करना चाहिए कि आपको वेटमेट लगाना है, रिसेप्टर लगाना है, किस तरह का सिस्ट बना हुआ है, ल्यूटरल सिस्ट है, फॉलिकुलर सिस्ट है, उस सिस्ट को हटाना पड़ेगा। इनके केस में मित्र, आपके केस में रवि जी, आपको वेटनेरियन को दिखा लेना चाहिए, कोई सिस्ट होगा और एक वो हार्मोनल इंटरवेंशन हल्का सा करेंगे वेटनेरियन और वो बछिया रूटीन हीट शुरू हो जाएगी, आप AI कर लेंगे फिर आगे चल के।
दोस्तों अगला सवाल है दिलीप पटेल जी का, ये है ऊंझा गुजरात से, और दिलीप जी कह रहे हैं आपके वीडियोस हमें बहुत सीखने को मिलता है। धन्यवाद दिलीप जी, हम लोग सवाल पे आते हैं तुरंत। वो दो सवाल उन्होंने पूछा, पहला है मेस फीड और पैलेट फीड में क्या डिफरेंस है, और अगर मेस फीड ओके है तो फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मुलेशन हम लोग आगे बात करेंगे गायों वगैरह का, वो लंबा प्रक्रिया है, मैं थोड़ा सोच समझ के बात करूँगा। उसमें एक थोड़ा और इशू भी है गायों के फीड फॉर्मुलेशन बात करने में, क्योंकि जैसे हमने अभी बच्चियों में फीड फॉर्मुलेशन का जिक्र किया था, तो देखें क्या होता है दोस्तों कि फीड फॉर्मुलेशन जो है वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट की प्रॉपर्टी है, और न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह भी उसमें ज़रूरी होती है। उनका था कि जब हमने वो फीड फॉर्मुलेशन शेयर किया तो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब को बहुत फ़ोन गए, कोई राजस्थान से आया, कोई कुछ आया, और बहुत से लोगों ने डॉक्टर साहब से जिक्र किया कि भाई ये फॉर्मुलेशन आपका लग रहा है, तो ऐसे करके, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि फीड फॉर्मुलेशन किसी मित्र को पर्सनल लेवल पर ज़रूरत होगी हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन मेरे पास बहुत तरीके हैं आपको एग्जैक्ट फीड फॉर्मुलेशन मैं न भी शेयर कर पाऊँ तो हम लोग बात कर लेंगे कि कैसे आपको मदद मिल सकती है आने वाले वीडियो में, जब उसकी फीड की बारी आएगी तो क्या, क्योंकि वैसे भी हमारे इंग्रेडिएंट हो सकता है, हम CSL फाइबर हम लोग यूज़ करते हैं, कॉर्न ग्लूटेन फाइबर वो न मिल पावे, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो किसी को मित्र को मिले ना मिले, अपने लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं उस हिसाब से हम लोग जनरल आइडिया ले लेंगे, तो हर मित्र अपने फीड बनाने की पोजिशन में होगा। खैर हम लोग दिलीप जी के सवाल पे हैं, मेस फीड और पैलेट फीड में क्या डिफरेंस है। देखें दोस्तों, गाय के पेट में जाते समय अगर आप अपने फार्म के लिए बना रहे हैं तो मेस फीड और पैलेट फीड में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मेस फीड में जो पैलेट फीड में जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है वो फीड की लॉन्जेविटी की मिलती है, फीड की का सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, वो फीड कुक्ड होता है और सेल्फ लाइफ बढ़े होने से उसके जल्दी ख़राब होने के चांस कम रहते हैं। मैस फीड में क्या होता है कि जल्दी फंगस लग सकता है, बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं रखना चाहिए, उसका एक सेल्फ लाइफ है जिसको हम लोग जल्दी 15-20 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, अधिक से अधिक एक महीने से ऊपर नहीं लगना चाहिए। लेकिन पैलेट फीड में थोड़ा सेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाती है, और जो स्टीम कुकिंग होती है उससे उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी बढ़ जाती है दोस्तों, उसका भी बेनिफिट मिलता है पैलेट फीड में, लेकिन प्रोवाइडेड फिर बात वहीं आती है कि उसमें न्यूट्रिशन मौजूद हो। डाइजेस्टिबिलिटी तो तभी होगी जब न्यूट्रिशन पूरे होंगे दोस्तों पैलेट फीड में भी। अजय मौर्य जी हैं दोस्तों, वो कह रहे हैं मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपकी, तो दोस्तों इनकी मेन सवाल आगे नीचे मैं आता हूँ सीधे अपने, ये कह रहे हैं सर इस टाइम में मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरी सभी गाय रिपीट हो जा रही हैं, 2-3 बार सीमेन लगा चुका हूँ लेकिन फिर भी नहीं रुक रही हैं। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ, मैं अगला ही काकी जल्दी ही वीडियो जल्दी रिपीट ब्रीडिंग पर बना देता हूँ, क्योंकि रिपीट ब्रीडिंग बहुत बड़ी समस्या है, और कुछ देखें ऐसा नहीं कि मैं 100% केस में हेल्प कर ले जाऊंगा, लेकिन हो सकता है 80% केस में मैं आपकी मदद कर ले जाऊं, तो मैं इसको बना लेता हूं, क्योंकि बहुत से मित्र कई जगह बेसिक फॉल्ट कर रहे हैं, उस फॉल्ट को मैं हटाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो मैं जल्दी ही अजय मौर्य जी बना के वीडियो देता हूं, जिसमें सभी मित्रों को ये आइडिया लगेगी कि रिपीट ब्रीडिंग कैसे हैंडल करने की कोशिश की जाए। रिपीट ब्रीडिंग एक समस्या है, बड़ी समस्या है, अच्छा न्यूट्रिशन मैनेज करने के बाद भी रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बनी रहती है, कौन कौन से कारण हो सकते हैं मैं जिक्र करूँगा, कैसे कैसे उसको टैकल कर सकते हैं वो करते हैं दोस्तों हम लोग। तो दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर सेशन को ज़्यादा लंबा न करते हुए यहीं विराम देते हैं, और आज इस सेशन के एंड में मैं आपको अपनी दूसरे सेट में दे चलता हूँ, जहाँ हमारी गिर गाय हैं और दो भैंसें हमारी हैं और कुछ HF की ड्राई काऊ और बछिए वगैरह हैं दोस्तों, देखें इन्हें आज। और ये हमारी अच्छी गिर गाय है जो अपनी फीडिंग कर में जुटी है दोस्तों। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और तो इन्हें लाइक और शेयर करते चलें, और चैनल पर नए आए तो इन्हें सब्सक्राइब कर लें, और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्ते, तब तक के लिए नमस्कार।